ओके सो जस्ट मेनली हम जो डिस्कस करेंगे विल ट्राई कि विल कवर द एक्शन पोटेंशियल्स इन द कार्डिक मसल ठीक है जिसमें हम uh, जो है एक्शन पोटेंशियल इन ऑल द कार्डिक मसल अलोंग विद द एसएन नोडल पोटेंशियल जो पेसमेकर पोटेंशियल विल डिस्कस दैट इन डिटेल एंड कार्डिकाइकल एंड ई सी जी विल ट्राई कि मैक्सिमम जो चीज़ें हम कवर करें वो सारे के सारे रेफ्यूला के पॉइंट्स हों uh, लेकिन जस्ट टू मेक द बैकग्राउंड हम स्टार्ट करते हैं कि अगर एफिलुकता कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम तो वी नो कि कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम का जो सेंटर है दैट इज़ द हार्ट ठीक है और हार्ट के अंदर एफिलुको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू द सिस्टमिक वस वाया द वाना कावा जो है राइट right ए में आता है राइट right टी से जो है

ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू द सिस्टम ए कार्टी सो दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड है ठीक है और ये जो हम सर्किट की बात करते हैं ये जो है ये सर्किट को हम कहते हैं ये सीरीज में है ठीक है तो बेसिकली कार्डियो कार्ड अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन में सर्किट uh, सीरीज़ में भी काम करता है एट द सेम टाइम पैरेल भी काम करता है पैरेल का मतलब है लेफ्ट राइट ए एक दूसरे के पैरेलेल भी एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग इन द सीरीज ऑल्सो ठीक है अच्छा अब हम आ जाते हैं कि जब हम बात करते हैं कार्यक आउटपुट की ठीक है तो कार्यक आउटपुट जब हम बात करते हैं तो विल टॉक अबाउट द कार्यक आउटपुट तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प बाय द ईच वेंट्रिकल ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आपको एमसीक्यू में ये चीज बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कार्यक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय द ईच वेंट्रिकल ठीक है पर मिनट अगर हम पर बीट बात करेंगे तो इट्स स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है सही है और अगर इसको हम पर मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम द कार्डिक आउटपुट बट इट इज फॉर द वेंट्रिकल सो इट्स इट्स फॉर द राइट वेंट्रिकल एज वेल एज फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है अच्छा नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्शन पोटेंशियल्स ठीक है अच्छा जी Now, this is a very famous action potential अ वेरी ऑफ द है? और ये जो एक्शन पोटेंशियल प्लेटो है अच्छा रिमेम्बर के द ड्यूरेशन ऑफ़ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक मसल इज मच हायर देन द एक्शन पोटेंशियल विच अकर्स इन अदर एक्साइटेबल टिश्यूज ठीक है तो ये एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन अगर आप देखो तो ये uh, जो है हंड्रेड मिली सेकेंड टू हंड्रेड मिली सेकेंड अप टू थ्री हंड्रेड मिली सेकेंड मेन्टिकुलर मसल्स में होता है विच इज़ अ वेरी ब्रॉड एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू द अगर हम न्यूरोन की बात करें या स्केलेटन मसल की बात करें जहाँ पे कि स्पाइक पोटेंशियल होता है ठीक है अच्छा अगर हम बात करें दिस इज नॉट द द पेस मेकर पोटेंशियल यानी ये वो वाला पोटेंशियल है जो कि रेस्ट ऑफ द कार्डिक मसल में होगा यानी ये वाला ये वाला एक्शन टेंशन हमें कहाँ कहाँ मिलेगा ये हमें एट्रिया में मिलेगा हमें वेंट्रिकल्स में मिलेगा ठीक है ये वाला ऐसे नोट का पोटेंशियल नहीं है ठीक है अच्छा अब ये एक्शन पोटेंशियल किस तरह से होता है इसके क्या फेजेज हैं ये हम बात कर लेते हैं तो एज यू कैन अप्रिशिएट कि यहाँ पे हमारे पास जीरो फेज है एक ठीक है वन है टू है थ्री है और फोर है आपको एमसीक्यू इसके लिए पता होना चाहिए जीरो क्या है वन क्या है टू क्या है, है थ्री क्या, क्या है और फोर क्या है ठीक है और इसी के कंपैरिजन में फिर हम ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे सो अगर हम बात करें जीरो की तो जीरो इज द सेम एज इन ऑल द एक्शन पोटेंशियल ठीक है कि जीरो इज कॉज बाय द द वोल्टेज क्रिएटेड सूर्या ठीक है तो जीरो फेज जो है इट्स अप स्ट्रोक Yeah. जीरो इज द अपस्ट्रोक ठीक है और अपस्ट्रोक हो किससे रहा है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से ठीक है जीरो इज द अपस्ट्रोक एंड बाय द फास्ट एंड दीज आर द फास्ट चैनल्स प्लीज रिमेंबर ये फास्ट चैनल्स है सोडियम के चैनल्स का जितने भी हम पढ़ेंगे वो ज्यादातर सिवाय लीकी चैनल्स के ये सारे के सारे जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं दीज आर द फास्ट चैनल्स ठीक है थेके? जीरो के बाद ये बनता है वन फेज ठीक है एंड यू कैन अप्रिशिएट कि वन के अंदर क्या है ये डिप डाउन हो रहा है अच्छा, रिमेंबर कार्डिक मसल के एक्शन पोटेंशियल में हम थ्रेशोल्ड नहीं पड़ते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है एक्शन पोटेंशियल एक एक फाइबर से दूसरे फाइबर में जाता है वाया द गैप जंक्शन ठीक है तो यहां पे जो है कार्डिक मसल की जो आ, वे ऑफ वर्किंग है वो एज है ठीक है कार्डिक मसल एज काम कर रहा होता है तो एक फाइबर से दूसरे फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जा रहा होता है तो यहाँ पे इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरह से नर्व के अंदर कॉन्सेप्ट है कि जो है लैग इन गेटेड आके चैनल पहले थ्रीशोल्ड पे मेमरेन को ले जाएंगे देन वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे ठीक है यहाँ पे इनिशियली एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है विद द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ठीक है वाया द the transfer of the action potential from one cardiac muscle to the another cardiac muscle via the gap junctions okay so zero is the upstroke caused by the voltage gated sodium channel okay then one okay one is the initial this dip okay one is this initial dip this dip okay and this dip is caused by by the voltage gated potassium channel voltage gated पोटेशियम चैनल्स ठीक है और ये क्या हो रहा है इनफ्लक्स हो रहा है ये इनफ्लक्स हो रहा था ठीक है और ये क्या हो रहा है इफ्लक्स हो रहा है ठीक है सो इनिशियल डेप जो हो रही है कि वो जैसे कि रिपोलराइजेशन होती है तो ये डिपोलराइजेशन का फेज है ठीक है और वन जो है वो इनिशियल रिपोलराइजेशन का फेज़ है ठीक है लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो यहाँ पर देखो टू फेज शुरू हो जाता है ठीक है यहाँ पे ये टू फेज शुरू हो जाता है एंड दिस टू जो है इज बिकॉज क्या हो रहा था है ई फ्स ऑफ पोटैशियम ठीक है प्लस इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम ये बराबर हो जाता है ठीक है तो ये टू पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाता है एट द सेम टाइम पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है तो वी वी फाउंड द सिंपल प्लेटो इन द एक्शन पोटेंशियल और इसकी वजह से क्या हो जाता है एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो जाता है ठीक है और उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये अच्छा ये वाले जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये स्लो है ठीक है ये सारे के सारे जो चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ दीज ऑल आर द चैनल्स ठीक है दे वर्क वाया द प्रिंसिपल ऑफ द डिफ्यूजन ठीक है बट दीज ऑल आर वोल्टेज गेटेड ठीक है ये याद रखना इसमें कोई लाइग गेटेड नहीं है फास्ट है ठीक है पोटेशियम वाले स्लो थे ये कैल्शियम वाले स्लो हैं थोड़ी देर बाद ये स्लो कैल्शियम चैनल एंड ओनली पोटेशियम चैनल दे रिमेन ओपन ठीक है ये वाले एंड दिस थ्री इज कॉज बाय द द ऑफ दिस थ्री इज कॉज बाय द द्लक्स ऑफ द पोटेशियम आइन ठीक है एंड द फोर इज द रेस्टिंग इसको जल्दी से देख लो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो हम्म mm -hmm. नहीं ठीक है इज दिस क्लियर जीरो वन टू थ्री फोर इज क्लियर फोर इज रेस्टिंग ठीक है द फोर इज रेस्टिंग मेमोरी एंड पोटेंशियल आई होप दिस इज क्लियर नाउ विथ दिस कंपेरिजन नाउ वी आर मूविंग्स टूवर्स द एक्शन पोटेंशियल ऑफ एसेनो ठीक है विच इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट ठीक so है सो यू कैन अप्रिशिएट द नंबर इफ यू ही फोर अबव यू कैन ईजीली अप्रिशिएट यहाँ जीरो है थ्री है और फोर है वन और टू है ही नहीं ठीक है तो इसका मतलब है वन और टू नहीं है इसका मतलब है कि वो इनिशियल डिप नहीं आ रही रिपोलराइजेशन की और प्लेटो फेस नहीं है इन पेस मेकर पोटेंशियल ठीक है एंड पेसमेकर का मतलब क्या है कि दे जनरेट देयर एक्शन पोटेंशियल बाय देम सेल्फ ठीक है तो अब इसको हम देख लेते हैं अब जो रेस्टिंग मेमरी पोटेंशियल है एस ए नोट का ठीक है अगर इसको कंपेयर कर लें हम दोनों को तो हमारे लिए जरा इजी हो जाएगा ठीक है आर यू एबल टू सी बोथ द ग्राफ ऑन योर स्क्रीन बोथ ग्राफ विजिबल ऑन योर स्क्रीन सो यू सी हेयर द रेस्ट इज माइनस नाइंटी ठीक है एंड हेयर द रेस्ट इज लेस नेगेटिव देन वेंट्रिकुलर एक्शन टेंशन यू कैन इजीली अप्रीशियट ठीक है इट्स अराउंड ठीक है अनदर डिफरेंस इज डेट कि यहाँ पे देखो रेस्टिंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ठीक है यहाँ पे अगर आप देखो तो रेस्टिंग जो है एक स्लो की तरह रैम्प है ठीक है थेके? और ये रैम क्या करता है ये रैम जो है फोर फेस के अंदर दिस इज बिकॉज ऑफ द जो 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 चैनल्स हैं ये करा रहे होते हैं इनको हम कहते हैं फनी सोडियम चैनल्स ठीक है और ये लीकी चैनल्स होते हैं दीज आर लीकी चैनल्स दीज आर लीकी चैनल्स ठीक है दीज लीकल लीकी चैनल्स वेन एवर द मेम्ब्रेन रीचेस टू द टू दू दाइन ठीक है ये लीकी चैनल्स बार बार इसको ड्रिफ्ट करते हैं टू द थ्रेशोल्ड ठीक है और जब ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं ठीक है दे कॉज डीपोलराइजेशन ठीक है दिपोलराइजेशन स्ट्रोक आता है एंड उसके बाद रिपोलराइजेशन का स्ट्रोक आता है देर इज नो वन फेज और टू फेज इन एस एन ओ इज दिस क्लियर टू एवरीबडी सो which phases are missing in SA nodal action potential the 1 and 2 they are missing in the sn nodal action potential any query till now can you appreciate the difference between these two potentials action potentials of the cardiac muscle this is in the sn node and this is in the the rest of the cardiac muscle now again we are going coming back to this graph okay? and we are talking about the one very important phenomena that is the refractory period okay? and we always talk about the absolute refractory period and the the relative refractory period okay? remember what is refractory period the period during which the second action potential can elicit the already excited

why this absolute what is the physiology behind this absolute refractory period so the physiology behind the absolute refractory period kya hota hai ki inactivation gates hote hain sodium ke remember jab bhi sodium ka influx hota hai to inactivation gates oh, they are already open and जो है activation gate जब open होते हैं तो sodium का influx होता है ठीक है आज एक एमसीक्यू भी ग्रुप में आया था inactivation एक्टिवेशन और एक्टिवेशन ग्रुप के हवाले से ठीक है लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचते हैं

अब क्या होता है कि जब ये इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गए तो अब जब तक ये वापस से खुलेंगे नहीं तब तक मेमब्रेन जो है वापस में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता ठीक है अगर इनएक्टिवेशन गेट जो है वॉट एवर द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस नहीं खुले ठीक है अब रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस सो दैट पीरियड वी कॉल द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस से ओपन अप हो जाए तो दैट रिफ्रैक्टिव पीरियड वी कॉल द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड सो ऑलमोस्ट कार्डिक मसल का जो पूरा एक्शन पोटेंशियल है

ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट को इनोवेट कर रहा होता है ठीक है सो वी नीड टू नो द टाइप ऑफ द द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन मसल्स ठीक है एज वेल एज देर अफेक्ट ऑन द ऑनडिक मसल ठीक है सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम ठीक है सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम ऐसे नोट को भी इनोवेट करता है ए बी नोट को भी इनोवेट करता है और वेंट्रिकल्स को भी इनोवेट करता है ठीक है वाइल द पैरासपैरिक नर्वस सिस्टम इनोवेट करता है और एवी नोट को इनोवेट करता है ठीक है ठीक है सो इट मीन के पैरासपैरिक नर्वस सिस्टम हैज नो अफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रेक्टलिटी ऑफ द वेंट्रिकल सिमिलरली पैरासपथेटिक नर्वस सिस्टम की कोई इनोवेशन नहीं होती वेसल्स के ऊपर there is no innervation of parasympathetic nervous system on the vessels any kind of the vessels theek hai chahe wo arterioles ho chahe veins ho chahe venules theek hai vascular smooth muscle mein parasympathetic ki innervation nahi hoti theek ho gaya so uh, sympathetic nervous system innervates the sno you know, theek hai अच्छा यहाँ पे जो receptors होते हैं heart के अंदर जो sympathetic receptors होते हैं दे आर बीटा वन receptors ठीक है they innervate the heart रेट They increase the heart rate. This is called the positive chronotropic effect. Okay. They innervate the AV node. Okay. And they increase the conduction velocity of the impulse transmission. This is called the positive romotropic effect. Okay. And they also innervate the ventricle. And they increase the force of contraction of the ventricle. And this we call the positive ionotropic effect. ठीक है वाइल पैरासिम्पथैटिक नेगेटिव क्रोनोटॉपिक इफेक्ट एंड नेगेटिव ड्रोमोटॉपिक इफेक्ट इट हैज नो आयोनोटॉपिक नो इनोवेशन ऑफ द पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम ऑन द वेंट्रिकल्स ठीक है एंड दिस नेगेटिव इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मस्कुरानिक रिसेप्टर्स ठीक है इज दिस क्लियर ठीक है वाइल द स्मूथ मसल्स ऑफ द circulation the, the vessels the arterioles and the veins and the venules they are, are mainly supplied by the alpha 1 receptors okay and here the norepinephrine acts and this causes the constriction of the vessel except in the skeleton muscle where there are beta 2 receptors okay and they cause the the relaxation uh, in the uh blood vessels of the skeleton muscle okay is this clear एनी क्वेश्चन सो फारो मैम फरियाल हम नमाज uh, के लिए अगर फाइव फोर्टी पर ब्रेक ले लें इज इट ओके फिर हम फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे तो विल ओके अच्छा नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स देरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द टॉपिक ऑफ द कार्डिक साइकिल ठीक है अगेन इसमें हमारे बहुत सारे एम सी क्यूज है जो कि हम जो है कर रहे होते हैं तो आपको ये वाली जो है चीज समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है है ठीक नहीं तो सो नाउ फर्स्ट स्टार्टिंग विद विदिक साइकिल व्हाट इज कारिक साइकिल ठीक है कार्डिक साइकिल इज द ड्यूरेशन बिटवीन द ऑल द इवेंट्स जिसको भी हम कहते हैं सिस्टली प्लस डायस्टली के अंदर यानी हार्ट की एक सिस्टली और डायस्टली के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ठीक है एंड रिमेम्बर बीट कर रहा होता है हार्ट तो हार्ट रेट जो हमारा होता है सेवेंटी बीट्स या सेवेंटी फाइव बीट परमिनट ठीक है हम नॉर्मली नौम लेते, लेते हैं कि मोर देन सिक्सटी लेस देन हंड्रेड जो है हमारा हार्ट रेट है और हमारे पास एक मिनट के अंदर सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं पर मिनट की बात कर रहे होते हैं वी ऑल नो दैट ठीक है इसका ये मतलब है कि वन साइकिल का जो ड्यूरेशन है ठीक है वो वन सेकेंड से कम होता है है एग्री ठीक क्योंकि हार्ट सेवेंटी फाइव टाइम बीट अगर कर रहा है ना मिनट तो वन मिनट के अंदर जो है वो हार्ट जो वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड से हैं तो एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन लेस देन वन सेकेंड होगा और अगर हम वो निकालें तो कितना होगा अराउंड पॉइंट एट सेकेंड ठीक है जिसमें से डायस्लि का फेस बड़ा होता है क्योंकि इसमें फिलिंग हो रही होती है और सस्ली का फेस छोटा होता है तो अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करें तो पॉइंट फाइव सेकेंड का डायस्टली है एंड पॉइंट रेट बढ़ेगा ठीक है तो कौन सा ड्यूरेशन कम होगा जो ज्यादा है ठीक है थीके? अच्छा अब हम आ जाते हैं कार्डिक के ऊपर अब बिफोर गोइंग टू साइकिल वी नीड टू नो के फेजेस कौन सी होते हैं कार्डिक साइकिल के अंदर तो उसके लिए हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं हम कार्डिक साइकिल को दो फेज में डिवाइड करें वन इज सिस्टली एंड वन इज डेस्टली एंड वी नो डाइसली इज बिगर तो हमने इसको बड़ा बना दिया ठीक है एंड सिस्टली इज स्मॉलर तो हमने इसको छोटा बना दिया तो ये पॉइंट थ्री सेकंड का ये पॉइंट फाइव सेकेंड का ठीक हो गया अच्छा हो गई मेरी अच्छा अब जो है के अंदर क्या हो रहा है हार्ट इज है हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन के तीन फेसेस हैं ठीक है ठेके? एक है जबकि आइसो वाले में कंट्रैक्शन हो रही है ठीक है और दूसरा है जब इजेक्शन हो रही है और तीसरा है जब आइसो रिलैक्सेशन हो रही है अब हमें समझने की जरूरत है आइसो कंट्रैक्शन क्या है इजेक्शन हम सबको समझ में आती है सिलसिली में होने ही इजेक्शन है और आइसोवालिक रिलैक्सेशन क्या है रिमेंबर जब भी हम आइसो की बात करते हैं तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ द ऑफ द वेंट्रिकल इज रिमेनिंग सेम ठीक है तो आइसो कंट्रैक्शन uh, और आइसोवालिक रिलैक्सेशन के अंदर चारों वेल्स हार्ट के बंद होते हैं ठीक है यहाँ भी चारों वेल्स बंद होते हैं ठीक ठीक हो गया तो के के अंदर चारों वेल्स के अंदर चारों चारों बंद बंद है है भी अब कैसे स्टार्ट होगी उस वक्त स्टार्ट होगी जब आयोटिक और परम्व ओपन होंगे एग्री ठीक है तो आइसो वॉलमिक कंट्रैक्शन की जो बिगनिंग होती है अगर मैं इसको बिगनिंग ये बिगनिंग है हमारी आइसो वॉलमिक कंट्रैक्शन की ये बिगनिंग है हमारी आइसो वॉलिक कंट्रेक्शन की ठीक है सो बिगनिंग पे यहाँ पर एवी क्लोज होते हैं ठीक है सही है और जो है जब आइसो वॉलिक कंट्रैक्शन इजेक्शन फेज में जा रही होती है तो कैसे इजेक्शन कैसे होगी जब सेमी सेमील्यूनर ओपन होंगे सो ए वी आर ऑलरेडी क्लोज ठीक है एंड सेमी सेमील्यूनर दे आर अबाउट टू ओपन आयसो में कॉन्ट्रैक्शन में क्या है एवी क्लोज हो चुके हैं एंड कौन से uh, uh, वाल्व खुलने वाले हैं सेमी लूनस सेमी लूनर का क्या मतलब है विच वाल्व आर गोइंग टू ओपन ओके सो सेमी लूनस दे आर अबाउट टू ओपन ठीक है अच्छा आइसो वॉलमिक रिलैक्सेशन में क्या होता है सेमी लूनस दे आर ऑलरेडी क्लोज ठीक है मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा सही एंड एवी दे आर अबाउट टू ओपन ठीक है व्हाट वी आर डिस्कसिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टली सिस्टली के थ्री फेसेस है अभी नो कि सिस्टली का मतलब क्या है एमटिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर ब्लड इनटू द पल्मोनरी एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन ठीक है अब ये एमटिंग कैसे होगी एमटिंग ऐसे होगी कि इस एमटिंग को होने के लिए ये जरूरी है कि जो है पल्मनरी और अयोटिक वेल्स ओपन हो उसके बगैर तो एमटिंग नहीं हो सकती है ना ठीक है सो व्हाट इज द फेज ऑफ आइसो वॉलमिक कंट्रैक्शन आइसो वॉलमिक कंट्रेक्शन का मतलब ये है कि अभी वॉल्यूम ऑफ द वेंटिकल इज नॉट चेंजिंग ठीक है वाई इट्स नॉट चेंजिंग रीजन बींगी क्लोज है मगर अभी आयोटिक और पलमनरी वेल्स ओपन नहीं हुए क्योंकि वेंट्रिकल्स में इतने प्रेशर्स बेल्ट नहीं हुए ठीक हो गया सही है और जब हम आइसोवॉलमिक रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो अब क्या हुआ है सेमी ल्यूनर यानी कि एयोटिको पलनी वेल्स दे हैव बीन क्लोज बट दे आर वेटिंग कि एवी ओपन हो ताकि वेंट्रिकल की फिलिंग स्टार्ट हो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है <coughs> आपके सारे के सारे एम सी क्यूज इसी तरह से आते हैं मैं फिर से रिपीट करती हूँ फातिमा वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट मी टू रिपीट प्लीज इन इन आइसो वॉलम्पिक कंट्रैक्शन ठीक है दिस इज अ फेज ऑफ सिस्ट्ली आइसो वॉलिक का मतलब क्या होता है ओके आयशा अंडरस्टूड ठीक है फातिमा मैं रिपीट कर देती हूँ आइसो वॉल्पिक का मतलब क्या है द वॉल्यूम आइसो वॉल्पिक आई बी सी का मतलब क्या आइसो वॉल्मिक ठीक है वॉल्यूम इज़ सेम

और वेंट्रिकल की एमटिंग जो होती है अगर हम इसको यहाँ पे दिखाएं तो यहाटिक वेल्व में हो रही होती है ठीक है यहाँ से इसके वेल्व ओपन होते हैं या पलनी सर्कुलेशन के वेल्व ओपन होते हैं सिसली में क्या हो रहा है सिसली में ये हो रहा है कि ये क्लोज है ठीक है और इनको खोलना है इनके दरवाजों को खोलना है दे नीड टू बी ओपन अप ठीक है सो इन आइसो वॉलिट कंट्रैक्शन ए आर ऑलरेडी क्लोज एवी का मतलब है द वेल बिटवीन द atria and the ventricle they are closed okay and we and the opening of the the semilunar valves they are required ঠিক हो गया सही है और फिर क्या होता है इंजेक्शन का फेज होता है इजेक्शन में क्या होता है कि ब्लड जो है वो आयोटा uh, में चला जाता है या पल्मोनरी सर्कुलेशन में चले जाता है रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल से अपने व्हेन वी व्हेन वी से आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन तो यहाँ पे क्या होता है सेमी लूनर क्लोज हो गए ठीक है और अब क्या होना है अब डाइसली का फेज स्टार्ट होना है तो एवी वेल्स आर अबाउट टू ओपन इज दिस क्लियर नाउ दिस इज बेसिक थिंग ठीक है अच्छा अब रिमेंबर द क्लोजर ऑफ द वेल प्रोड्यूस द साउंड द क्लोजर ऑफ वेल प्रोड्यूस द साउंड तो अब एवी कहाँ क्लोज हुए थे एवी यहाँ क्लोज हुए थे ठीक है सैमिल्यूनर कहाँ क्लोज हुए हैं

ठीक है आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन में एस टू आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में ठीक है एट द बिगनिंग एट द एंड ठीक हो गया अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं डायस्लि के फेस पे नाउ के अंदर जो है डायस्लि इज इक्वली डिवाइडेड इनटू द थ्री फेसेस ये इक्वल फेसेस है एंड दिस इज द ड्राइंग ठीक है इट इज इक्वली डिवाइडेड डिवाइड और इसमें फिलिंग हो रही है ठीक है अच्छा अब फिलिंग के अंदर जो फेजेस हैं ये कहाँ फिलिंग हो रही है ये रैपिड फिलिंग है ठीक है ये डायस्टेसिस है ठीक है यानी स्लो फिलिंग रैपिड फिलिंग का मतलब है जैसे ही एवी वेल well खुले एशिया uh, में जितना ब्लड था वो सारा का सारा पुश हो गया इन द वेंट्रिकल क्योंकि एट्रिया के पास इतनी जगह नहीं डायस्टिस का मतलब है जो आ रहा है वाना कावा के थ्रू वो फिल हो रहा है एंड उसके बाद थर्ड फेज जो डायस्टली का है वो है एट्रियल एट्रियल सिस्टोल एचल ठीक है जिसके अंदर अगर कुछ ब्लड रह गया है तो एट्रिया की कंट्रेक्शन से जो है वो फेल हो जाएगा इज दिस क्लियर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो क्लियर है ये बिकॉज इससे आपके बहुत सारे एमसीक्यू के सॉल्व हो रहे हैं ओके okay, गुड अब आप मुझे ये बताओ कि ई की जो वेव्स होती हैं ठीक है पी क्यू आर एस और टी वेव ठीक है जल्दी से इसको रिवाइज करो दिमाग में कि पी क्यू आर एस जो वेव्स होती हैं वो जो है किस किस वजह से बनती है तो हम उसको पुट करेंगे कार्य साइकिल में वो कहां बनेंगे ठीक है पी वेव जल्दी से पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन ठीक है सही okay. अब आप मुझे बताओ कि यहां पे पी वेव यहां कहां बनानी चाहिए अब देखो रिमेंबर ये है एट्रियल सिस्टली का फेस बनाने है? आप रट्टा लगाते हो और फिर आप भूल जाते हो अब रिमेंबर कब होगी एचुअल की एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कब होगी एचिया की डिपोलराइजेशन के बाद ईसी जी जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ठीक है ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये मैकेनिकल एक्टिविटी है मैकेनिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बाद होती है तो आप मुझे बताओ अगर ये एट्रियल स्टोल का पीरियड है तो पी वेव कहाँ बनेंगे इससे पहले बनेगी कि इसके बाद बनेगी जल्दी से कोई बता दो इससे पहले बनेगी या बाद बनेगी इतना बता दो ये पीरियड एट्रियल सिस्टोल का डैसिम है अब देखो आयशा ये बिल्कुल आपने पता है कैसी बात की आपने ऐसे बोला कि जो है बिजली बाद में आएगी पंखा पहले चल जाएगा इज इट पॉसिबल ठीक है देखो अगर मैं कहती हूं कि पी वेव जो है एयरटेल सिस्टली के बाद बनेगी तो ये मैंने वैसे ही बात कर ली कि बिजली नहीं बाद में आएगी और पंखा पहले चल जाएगा दिस इज पहले बनेगी तो पहले कहाँ बनेगी डेस्टली में बनेगी ये एयरटेल सिस्टली का फेज है ये वाला फेज है एयरटेल सिसली का तो पी वेव यहाँ कहीं बनेगी ठीक है क्लियर है यहाँ अगर इसको बहुत प्रिज के साथ हम बनाना चाहें तो पी वे ये एरटेल सिस्टली शुरू हो रही है इससे पहले बना देंगे आधी इधर बना देंगे आधी इधर बना देंगे मगर कहां बन रही है डायस्लि में बन रही है एट्रियल सिस्टली से पहले बन रही है एग्री अब आप मुझे बताओ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ठीक है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहा होगी ये सिस्टली का फेज है